लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया और विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। 79 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने यह फैसला किया है। अनुशासन समिति की बैठक में गंभीर शिकायतों की जांच होगी, उसके बाद कुछ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं जिन 150 नेताओं की शिकायत मिली थी उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी, इस चुनाव में उन 79 लोगों के निष्कासन पर हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो गंभीर शिकायतें हैं इस बीच में हम लोग और अवलोकन करके जो निष्कासन के योग्य हैं, 10 दिन बाद जब हम बैठक करेंगे तो कुछ उन शिकायतों पर भी हम बड़ा निर्णय लेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस में हाहाकार मचा है, जिसके बाद कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हार पर लगातार मंथन चल रहा था। इस दौरान भीतरघातियों को कार्रवाई की मांग उठी थी, जिसके बाद पार्टी ने ये कार्रवाई की है।